आप सभी को डीएफओ चंदेश्वर सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पीस पार्टी जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को गुड़िया गुलशन खान पार्षद व पार्षद पति गुलशन खान की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर आर एस सुधाकर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर अभिषेक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को डॉक्टर रोहित यादव की तरफ से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नेशनल टुडे 24 परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की दिली मुबारकबाद। देखिए खास रिपोर्ट सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बजरंगी चौक पर 101 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने फहराया तिरंगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह, एसडीएम त्रिभुवन, सीओ अजय कुमार समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीदों के नाम पर फहराए गए तिरंगे पर लोगों में खास उत्साह रहा। जिले में पहली बार 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। विधायक रघुवेंद्र प्रताप ने बताया कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला। रास्ते में जगह जगह लोग खुशी में झूम रहे थे। वहीं पहली बार सिद्धार्थनगर में 101 फीट की ऊंचाई पर झंडा लहराने से लोगों में भी खुशी की लहर दिखी। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभिनंदन माननीय विधायक जी का ये है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पूरे महीनों महीनों से इस पर ध्यान उनका केंद्रित था और कठिन परिस्थिति में यह डुमरियागंज आपने जिस प्रकार से मेरे आवास हिंदू भवन डुमरियागंज से आते समय जनता का उत्साह देखा, उससे लग रहा था कि स्वतंत्रता के बाद डुमरियागंज में पहली बार स्वतंत्रता मिली है और आज़ादी मिली है कि इस प्रकार यहाँ की जनता खुल करके, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बड़ा, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बुजुर्ग सड़कों पे झंडे लेकर के उत्साहित होकर भारत माँ के जयकार कर रहा था। सारे कस्बों में, सारे नुक्कड़ नुक्कड़ के जगहों पर, और आज पहली बार पूरे जनपद में 101 फीट का ऊंचा तिरंगा ध्वजारोहण हुआ है। ये डुमरिया के महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी भूमिका निर्वहन किया है। डुमरियागंज में सभी वर्गों का, सभी समुदाय का, सभी लोगों का इस उत्साह में साथ होना डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर के लिए शुभ संकेत है।
जो आने वाले दिनों में हमारे पुराने छूटे हुए इतिहास जो अमरगढ़ शहीद स्थल के नाम पर अगर इसको अभी देखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बलिदानियों का इतना बड़ा इतिहास कहीं रहा नहीं। हमारे यहाँ आमी नदी के उद्गम स्थल का इतिहास हो, भगवान बुद्ध के प्रवास का इतिहास हो, ये सारे ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरती है और आज से इस लड़ाई का इस बजरंगी चौक से शंखनाद और शुभारंभ होने जा रहा है।